नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्र, आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू में 3 दिन में तीसरी आतंकी वारदात, रियासी में बस पर अटैक, कठुआ में घर में घुसे, जॉर्जिया में पुलिस पर हमला। मस्क ने ओपन AI पर किया केस, वापस लिया अब CEO। ऑल्टमैन लेंगे चैन की सांस, जाने क्यों छिड़ गई थी जंग। भारत अमेरिका पहली बार G20 में आमने सामने, जाने कब कहां और कैसे देखे लाइव मैच। क्या टेस्ला कर्नाटक में आएगी। कुमार स्वामी से पूछा गया सवाल तो बोले, मैं स्वार्थी नहीं, विकास की बात करनी है। हमारे नागरिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करें, युद्ध में 2 भारतीयों की मौत के बाद भारत ने बढ़ाया दबाव। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। जम्मू संभाग में आतंकी वारदातों का इजाफा हुआ है। 3 दिनों में तीसरी आतंकवादी घटना हुई है। रविवार को रियासी जिले में आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और 41 लोग घायल हुए थे। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI और उसके CEO सैम ऑल्टमैन के लिए एक अच्छी खबर है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने फरवरी में दर्ज कराए मुकदमे को वापस ले लिया है। दरअसल अरबपति उद्यमी मस्क ने आरोप लगाया था कि OpenAI ने मानवता के फायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के अपने मूल मिशन को पीछे छोड़ दिया। T20 विश्व कप 2024 का 25वां मुकाबला बुधवार को भारत और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना तीसरा मैच न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलती नजर आएंगी। लगातार 2 मैचों में जीत हासिल कर चुकी भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। हालांकि अमेरिका को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं होगा। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का मंत्रिमंडल तय हो चुका है। JDS नेता HD कुमारस्वामी भी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें स्टील एवं भारी उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान सिर्फ कर्नाटक पर नहीं बल्कि पूरे देश में है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर मिली है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में एक बयान जारी कर जानकारी दी, साथ ही कहा कि 2 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने रूस के साथ इस हमले को दृढ़ता से उठाया है और रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों को शीघ्र रिहाई और वापसी की मांग की है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए। देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।